कैसे हो आप लोग। मैं आप सबकी रिमटी मैम, और आज मैं एक छोटे से टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोगों ने वर्ड तो सुना ही होगा एप्रिसिएशन। हम सबको एक ह्यूमन बींग का नेचर यही होता है कि हम लोग जो भी अपना काम करते हैं ना, उसके लिए एप्रिसिएशन चाहते हैं। जैसे मम्मी अपने लिए खाना बनाती है तो वो क्या चाहेगी, जब पापा खाना खाते हैं टुकर टुकर अपनी साइड देखती रहती है कि कोई तो ये बोले आज खाना बहुत अच्छा बना है ना। जब हम ये बोल देते हैं कि आज तो खाना मम्मी आपने बहुत एक नंबर का लाजवाब खाना बनाया, तो वो कितनी खुश हो जाती हैं। तो हमारा नेचर ही ऐसा है। और आप लोगों को याद होगा, जैसे हम लोग बचपन में जब मैथ का टेस्ट दे के आए हैं या इंग्लिश का जो भी टेस्ट दे के आए हैं, मैथ में हमें 10/10 मिल गए सेकेंड क्लास में, तो हमारे मम्मी पापा और हमारे टीचर क्या बोलते हैं, मैथ में तो टॉप कर दिया यार तूने, तू तो लाजवाब है, मैथ तो तेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10 में से 10 आ गए तेरे। तो वो अपने माइंड में बैठ जाते हैं, सेकेंड क्लास में बच्चे के माइंड में बैठ गया कि वो मैथ का महाराजा है, टॉप कर दिया उसने मैथ में। तो जो भी आगे आगे टेस्ट होते जाएंगे तो वो हर सब में टॉप करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही 10th पास करता है या 9th 8th 10th क्लास में होता है, तो क्या सोचेगा, मैं तो आगे नॉन मेडिकल लूँगा, IIT करूँगा, क्योंकि मेरा जो पोर्शन है ना मैथ का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो शुरू में जब वो बचपन में वो फर्स्ट क्लास में था, वो मैथ में स्ट्रॉन्ग था नहीं था, बस उस टेस्ट ने जो उसके 10 में से 10 मार्क्स आ गए उस मैथ के टेस्ट में, उसने उसको हीरो बना दिया ना। तो हमारा ह्यूमन बींग का नेचर ही यही होता है। अब जो भी बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे एग्रीकल्चर की कर रहे होंगे, कुछ नीट की कर रहे होंगे, जहाँ से भी कर रहे हैं, जिस भी सेंटर से कर रहे हैं, तो उनके वहाँ पर टेस्ट कंडक्ट होते हैं। और टेस्ट कंडक्ट होते हैं तो जिस बच्चे के पहले टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छी रैंक आ गई, तो वो क्या सोचता है कि वो तो एग्रीकल्चर का हीरो है, नीट का मेडिकल साइंस का हीरो है। तो वो क्या करने लग जाता है, अपनी तैयारी करने लग जाता है ज़ोर शोर से, हर एक टेस्ट में फर्स्ट आने की कोशिश करेगा, टॉप करने की कोशिश करेगा। तो यही नेचर होता है कि वो आगे जितने भी टेस्ट होते हैं, पहले टेस्ट में अगर उसने अच्छा स्कोर कर लिया तो आगे जितने भी टेस्ट होंगे वो मेहनत करता जाएगा, खूब मेहनत करेगा, है ना, फर्स्ट आने के लिए। और ऐसे ही वो जब जो उसका टेस्ट होता है, जो मेन नीट होता है या जो एग्रीकल्चर का BSc एग्रीकल्चर के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो क्लियर कर जाता है, पता भी नहीं चलता, बहुत स्मूथली क्लियर कर जाएगा। पर जो बच्चे पहले टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, और डीमोटिवेट होके बोलेंगे यार ऐसे ही चलना है, ये तो धीरे धीरे ऐसे ही तैयारी करेंगे, आलस आ जाता है फिर उनके अंदर। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोग कहीं पर भी तैयारी कर रहे हो तो आलस का शिकार मत बनिए। अभी तो आप लोग ये सोच लीजिए कि अगर एग्ज़ाम में 2 महीने हैं, 2.5 महीने हैं, 3 महीने हैं, तो आप लोगों का वनवास चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता होगा श्री राम जी वनवास काटने गए थे 14 बरस का, तो उसके बाद अलग से ही उभार आया था, और जो पांडव थे उनको भी श्री कृष्ण ने बोला था कि तुम लोगों को वनवास जाना होगा, गए थे वो लोग भी। तो ये लोग, ये आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों का वनवास है 2-2.5 महीने का, और इसके बाद जो आप वनवास काट रहे हो इसमें आपकी कोई पहचान नहीं है, बिल्कुल जीरो, आपको ही नहीं जानता इसमें आपको। इस वनवास को काटने के बाद आप हीरो बन जाओगे। अगर आप लोगों का अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर होता है, आप लोगों की अच्छी रैंक आती है, तो आप लोग हीरो बन जाओगे इस वनवास को काट के। सबकी लाइफ में स्ट्रगल आता है, तो आप लोगों की लाइफ में ये स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, आप लोगों का स्ट्रगल चल रहा है ये, तो आप लोगों को इसे अच्छे से काटना होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के कॉन्टैक्ट में रहिए, नेगेटिव लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। जैसे मैं हूँ, मेरे कितने भी दुश्मन हो, कितने भी फेक पीपल हो मेरे साथ, कितने भी नेगेटिव लोग हो, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। सिर्फ मेरे को जो पॉजिटिव लोग हैं, मम्मी पापा हैं, कुछ एक दोस्त हैं, उनको पता है कि वो मेरे को अप्रिशिएट करेंगे, वो अप्रिशिएट करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। वही जो अपने सेकंड क्लास में अपना मैथ का टेस्ट हुआ था, 10 में से 10 आ गए थे, वही बात होगी ना। तो आप लोगों को भी, जो भी आपके मम्मी पापा हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, जैसे आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आपको मोटिवेट करेंगे, वाह यार तूने तो पहले ही टेस्ट में अच्छा स्कोर लिया या तेरे तो सिलेक्शन हो जाएगा, तेरी तो अच्छी रैंक आएगी। तो पॉजिटिव लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो आपको पॉजिटिव लोगों के कॉन्टैक्ट में रहना है और फेक पीपल से दूर रहना है। और सबसे बड़ा मैं आप लोगों को ये बता दूँ, आप कहीं पर कोचिंग ले रहे हैं, नीट की ले रहे हैं, एग्रीकल्चर की ले रहे हैं, IIT की ले रहे हैं, किसी भी चीज़ की ले रहे हैं, अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं या आपको गाइडेंस नहीं मिल रही प्रॉपर, या आपको किसी भी चीज़ का थोड़ा सा भी डाउट है, तो बड़ी बहन के तौर पे मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ आपके लिए। आप ये मत सोचना कि हम तो रिम्पी मैम से पढ़ ही नहीं रहे तो हम कॉल करके रिम्पी मैम से कैसे डाउट पूछें।
कोई हेजिटेशन मत रखना अपने मन में। एज ए बड़ी बहन के तौर पे मैं आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ, एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, और ये मत सोच लेना कि रिम्पी मैडम पैसे मांगेगी आप लोगों को जो भी डाउट वगैरह क्लियर करने में, ठीक है? कुछ नहीं होना है, ऐसा गलत फहमी है ये आप सबकी। तो जो भी डाउट हो किसी भी बच्चे को, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, कैसा भी डाउट हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, कैसा भी हो, तो मेरे से क्लियर कर सकता है। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहे मेरे लिए। थैंक यू।